गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर कायरा और रिद्धि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो टेरेस पे जाकर अपना बहुत कीमती वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं और मॉर्निंग में भी उनका कुछ ज्यादा रोमांटिक टाइम बीता रहता है। रिद्धि जो रहती है वो काफी ज्यादा टायर्ड हो जाती है, तो वो सो जाती है, तो उसका आज का ब्रेकफास्ट हमारी कायरा बनाती है। और कायरा जब ब्रेकफास्ट बनाती है वो बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती है, और रिद्धि के पापा मतलब कायरा के ससुर जी को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। रिद्धि को फोन आता है जिया और रश्मि का, क्योंकि उनके शादी का वक्त चल रहा रहता है, और जिसमें ये दोनों जल्दी जल्दी रेडी होकर वहाँ जाते हैं। तभी रिद्धि रश्मि की मॉम को समझाने की कोशिश करती है। देखते हैं, आंटी जब आपको भी समझने में तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, तो सोचिए हजार लोग क्या सोचेंगे। आपने तो ये भी नहीं बताया है ना कि आपकी बेटी का रिलेशन किसके साथ है। फिर सडनली से आप शादी में सबको बुलाएंगी तो उनको तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन लगेगी ना, और वो देख के 100 बातें करेंगे, 100 बातें आपके कान तक पहुँचेगी, और जाहिर सी बात है रश्मि के भी कान तक पहुँचेगी, जिसकी वजह से भी रश्मि का भी मूड ख़राब हो जाएगा और जिया का भी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि शादी आपके घर की पहली है, पर आप भी जानते हो ये शादी नॉर्मल शादी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट शादी है। हम खड़े होके कितना भी चिल्ला लें इक्वालिटी इक्वालिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी, बट कोई सपोर्ट नहीं करता है आंटी। और वही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और आप लोग एक्चुअल में शादी इतने धूमधाम से बनाना चाहते हो। मेरे लिए तो यही बहुत शॉकिंग की बात है, बट क्या इसे आप थोड़े छोटे पैमाने में बना सकती हो, क्योंकि रश्मि बहुत ऑकवर्ड फील करेगी। और आंटी जो लड़की का खुद की ही शादी है, अगर वो खुद की शादी में खुश ना हो, 4 लोगों की नज़रों से देख के वो खुद ऑकवर्ड फील करे, वो शादी करने का क्या मतलब है। शादी तो 2 लोगों का मिलन होता है, जिसमें 2 लोग अपनी खुशी से अपनी इच्छा के साथ एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार होते हैं। बट अगर उस बीच में रश्मि अगर ऐसा फील करेगी तो आंटी बहुत बुरा लगेगा। सो इट्स जस्ट अ माई ओपिनियन एंड पर्सनल ओपिनियन कि प्लीज़ आप सिलेक्टिव लोगों को बुलाइए, और जो आपको समझ में आएगा कि हाँ अगर ये सिचुएशन आती है तो वो गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शादी में कोई बवाल नहीं चाहिए कि कोई खड़े होकर बॉयकॉट करने लग जाए, अरे दो लड़कियों की शादी करते हुए। सो इससे बेटर है कि आप प्लीज़। रश्मि की मम्मी उसकी सारी बात समझती है रिद्धि की, और बोलती है बेटा पर हम किसी और को नहीं बुलाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। ये भी तो सोचो ना, फैमिली हैं हम लोग, हमें भी तो इस सोसाइटी में रहना है। अगर इस सोसाइटी में माना कि 2 लड़कियों की शादी हो रही है, जब हम खुश हैं सब खुश हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जिसको आना है वो आएंगे, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएंगे। कार्ड देखने के बाद तो पता चल ही जाएगा ना कि एक लड़की के साथ शादी हो रही है। अगर वो कार्ड देखने के बाद भी उनकी मर्जी होगी तो वो आएंगे, अगर नहीं होगी तो वो नहीं आएंगे। ये भी तो समझो ना बेटा, पर हम किसी को कार्ड देंगे किसी को कार्ड नहीं देंगे, ये भी तो गलत है ना। रिद्धि भी ये बात को समझती है कि आंटी अपनी जगह पूरे तरीके से सही है, और रश्मि भी अपनी जगह पूरे तरीके से सही है। अब तो ये एक ऐसी दुविधा आ चुकी है कि जहाँ पर दोनों को मनाना बहुत मुश्किल का काम है। तभी रिद्धि कुछ कहती, उससे पहले आंटी बोलती है बेटा रुको ज़रा, मुझे यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। तो वहाँ से पंडित जी आए रहते हैं, तो वो वहाँ पे तरफ चले जाते हैं और जाकर दूसरी चीज़ों में काम में लग जाती हैं। तभी रश्मि आती है रिद्धि के बाद, मेरी मॉम समझ गई। तो रिद्धि कहती है देख आंटी ना, आंटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है यार। तो वो कहती है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहती है कि वो शादी के कार्ड्स बांटेंगी, अगर उसमें से जिनको लड़की लड़की की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग आ जाएंगे, जिन्हें प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे। उनका भी तो कहना बिल्कुल सही है। तो रश्मि अपने सर पे हाथ डाल के ऐसे खड़े होके बोलती है प्रॉब्लम वो नहीं है रिद्धि, प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि ये शादी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर मम्मी सबको कार्ड देगी ना तो हमारी सोसाइटी के लोग मम्मी को पहले से ही बॉयकॉट कर देंगे, और वो इतने पीछे पड़ जाएंगे कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा।
या धरने लग जाएंगे। यार हमें गुजरातियों में इतनी जल्दी ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तू भी जानती है। हाँ ये बात तो सही है यार। तो कहती तो सोच ना कैसे होगा। मम्मी ये सोच रही हैं कि दुनिया वाले बहुत अच्छे हैं और इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी बेटी को, तू तो जानती है। मैं कोशिश करती हूँ आंटी को समझाने की। हो सकता है अगर रश्मि आंटी नहीं समझी है तो मैं जिया की मम्मी को समझा देती हूँ, वो तो कम से कम समझेंगी। तो कहती हाँ तू ट्राई कर सकती है। तो कहती ओके फाइन, तो यहीं पर बैठ, मैं जिया के यहाँ जाती हूँ। तो कायरा बोलती है कि आप जाइए, मैं रश्मि मैम के साथ हूँ। तो कहती है कि पक्का तुम यहाँ रह लोगी? तो कहती हाँ मैं रह लूँगी, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ जिया रहती है वो चली जाती है। सॉरी रिद्धि जो रहती है वो फटाफट भागते हुए जाती है और जाके जिया के पास मिलती है। तो जिया बोलती थैंक गॉड तू आ गई यार, अगर तू नहीं आती ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं पागल हो जानी हूँ। यार कि कैसे लोग हैं, क्या शादी के लिए कैसे कैसे कर रहे हैं यार। इतना प्रियर प्रेशर तो मुझे कभी एग्जाम पास करने के लिए भी नहीं आया था यार, जब मैं इतनी हालत खराब है। पता नहीं ये क्या है, कैसी जिंदगी हो चुकी है यार मेरी। मतलब मैं बहुत बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत कुछ हो रहा है, आई एम सो इरिटेटिंग राइट नाउ। तो जिया को वो कहती है शांत हो जा शांत हो जा, मैं बात करती हूँ, मैं जाकर बात करती हूँ। फिर वो जाती है और जाकर बहुत प्यार से बैठती है और बोलती है आंटी क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? तभी जिया की मम्मी कहती है कि हाँ बेटा रिद्धि तुम भी कैसी बात कर रही हो, बोलो ना क्या हुआ है। तो कहती है आंटी क्या ये शादी इतनी ग्रैंड तरीके से करना ज़रूरी है? तो कहती है हाँ हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, ग्रैंड तरीके से ही होनी चाहिए। तो कहती है कि आंटी लोग अगर क्या समझेंगे, मतलब आप समझ रहे हो ना कि जिया की शादी मतलब इतने ग्रैंड तरीके से करेंगे, इतने सारे लोगों को बुलाया जाएगा, लोग क्या सोचेंगे दो लड़कियों की शादी, एंड यू नो ना इट्स विल बी क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तभी वो हंसती बोलती है बेटा रिद्धि ये तुम कह रही हो जिसकी खुद की शादी एक लड़की से हुई है? अरे तुम्हें तो पता है ना हम तो मॉडर्न फैमिली से हैं, मॉडर्न ख्यालात के हैं, और वैसे भी कुछ आज से 6 महीने पहले ऑलरेडी ये हमारी महाशय जो आप देख रहे हैं ना, जो इतनी इरिटेट होते होते घूम रही हैं, इन्होंने जब इनके बर्थडे के दिन रश्मि का हाथ थाम कर घर से बाहर निकल गई थी, और उस समय भी पूरे लोग थे मेरी सोसाइटी के, उन सबको पता था कि ये लड़की को पसंद करती है, तो ऑलरेडी एवरी वन इज नोज दैट। एंड अब तो एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि हमारे साइड से तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, तो शादी तो थोड़ी सी ग्रैंड तरीके से ही होगी। अब यहाँ पर रिद्धि काफ़ी कोशिश करती है कि जिया की मम्मी को समझाए, पर जब जिया की मम्मी यही कह देती हैं कि शादी तो ग्रैंड तरीके से होगी और हमारे यहाँ पे होगी, तो अब क्या क्या ही बोलें। तो इस तरीके से यहाँ पे भी रिद्धि समझा नहीं पाती है और जिया भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो जिया की मम्मी रहती हैं वो कहती कि चलो जिया हमें रश्मि के घर जाना है, कुछ चीज़ें हैं, चलो रिद्धि तुम भी चलो। तो ये लोग सब जाते हैं, वहाँ पर कुछ डिस्कशन करना रहता है और कुछ रीति रिवाज रहते हैं, उन सबको करने के लिए चले जाते हैं। फिर रश्मि बार बार बोलती है रिद्धि कुछ कर रिद्धि कुछ कर, और जिया बोलती कुछ करना रिद्धि, और एकदम से पुश कर देते हैं रिद्धि को आगे। तो रिद्धि जब खड़ी होती है तो बोलना स्टार्ट करती है। अब जब दोनों फैमिलीज यहाँ पर हैं तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ आंटी। तो कहते हाँ रिद्धि बेटा बोलो। तो आंटी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी में कम लोग आए, मीन्स आपके जिया आपके यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनको एतराज़ नहीं है कि ये दो लड़कियों की शादी, उन्हें तो आप बेफिक्री से बुलाइए। पर रश्मि आंटी आपके साइड वालों को थोड़ा सा और बहुत इशू होगा, तो आप कम लोगों को बुलाइए। तभी रश्मि की मम्मी कहती है बेटा मैंने तुम्हें बताया ना कम लोगों को कैसे बुलाएं, हमारे घर की पहली बेटी की शादी है। तभी रश्मि कहती है मम्मा लेकिन बवाल हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे हो, सब लोग बॉयकॉट करने पे आ जाएंगे। जिया कहती मम्मा उनको मैं अलग से पार्टी दे दूंगी, पर प्लीज इतनी ग्रैंड वेडिंग मत करो। सब लोग एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, और जिसमें आंटी और
दोनों आंटीज भी रेडी नहीं होती। तभी वहां से कायरा आकर बोलती है कि आंटी मैं कुछ कह सकती हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। कायरा कहती है कि आंटी आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्या आपके घर की पहली बेटी की शादी है। जिया की मम्मी की तरफ देख के बोलती है कि आंटी ये भी बिल्कुल सही है कि शादी में ऑलरेडी पहले ही लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप दोनों की एक चीज़ का बहुत अच्छा सलूशन है, व्हाट अबाउट द डेस्टिनेशन वेडिंग। अगर आप लोग अपने घर से थोड़ा दूर जाकर करेंगे तो ऑलरेडी कम लोग ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग इतना सारा डिस्टेंस प्रिफर नहीं कर सकते हैं। तो अपने घर से शादी करने के बदले आप थोड़ा सा दूर से करेंगे तो रश्मि मैम की वो जो प्रॉब्लम है कि बवाल भी नहीं मचेगा, क्योंकि बवाल मचाने के लिए वो इधर आएंगे और इधर आएंगे। लेकिन अगर डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो कोई भी इतना बड़ा इंसान पैसे लगाकर या इतना सब कुछ लगाकर इतनी दूर आके शादी रोकेगा नहीं और इतना बवाल नहीं मचाएगा और ना वो बॉयकॉट कर पाएगा। और आंटी अगर आपके रिलेटिव मतलब जिया मैम के लोगों को अगर जेन्युइनली उन्हें जिया मैम से प्यार है और जिया मैम की शादी को वो रियल में अटेंड करना चाहते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो भी आएंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों की सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, आपकी भी रश्मि मैम कि आपको बॉयकॉट नहीं होना पड़ेगा और जिया मैम आपके लोग भी खुश रहेंगे। सो आंटी इट्स माई ओपिनियन कि आप लोग यहाँ से करने की बजाय कहीं और से कर लीजिए। अगर आपको गुजरात से करना नहीं है, मतलब हमें अहमदाबाद से शादी नहीं करनी है, तो हम राजस्थान से भी कर सकते हैं, कहीं और अच्छी अच्छी जगह है उदयपुर से कर सकते हैं। व्हाट अबाउट उदयपुर, उदयपुर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर रॉयल वेडिंग्स भी होती हैं, तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग में रॉयल उदयपुर से कर लेते हैं। या फिर जयपुर, जोधपुर, वो तो इन सब चीज़ों के लिए फेमस होता है। तभी आंटी कहती है उदयपुर चलेगा बेटा, उदयपुर अच्छा है ना, घूमने के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो कहती है हाँ आंटी घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और बहुत ब्यूटीफुल सी वहाँ पर शादी भी हो जाएगी और मेरे जो डैड है वो वहाँ पर उनका बिजनेस भी है, तो वहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल रिसॉर्ट है जहाँ पर हम लोग, मैं बहुत साल पहले गई थी आंटी पर मुझे नहीं पता है, बट मैं अपने डैड से पूछ कर बता दूंगी, वो रिसॉर्ट बहुत अच्छी है। तो आप वहाँ जाकर प्लीज़ शादी करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से शादी भी हो जाएगी, लोगों को घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा और ये शादी बहुत यादगार शादी रहेगी। सो आप लोगों को मेरा ओपिनियन अच्छा लगा है तो ठीक है, नहीं है तो। तभी दोनों फैमिली तुरंत एग्री होकर बोल देती कि हाँ हम लोग को एग्री है। कायरा थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा एडवाइस दिया है एंड आई लव इट दैट। तो रिद्धि वहाँ पे खड़े होकर कायरा की तरफ देखने लगती है। तो कायरा अब पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी थी, अब वो नए तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया था और नई तरीके से लाइफ को जीना स्टार्ट किया था। कहते हैं ना शादी बहुत कुछ चेंज कर देती है, शायद ऐसा ही कुछ हमारी कायरा के साथ भी हुआ था। कायरा भी अब पहले से ज़्यादा बदल सी रही थी। फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलती है रिद्धि मैंने कुछ गलत कहा क्या, आई मीन लाइक दिस। तो रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती कुछ गलत नहीं कहा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू कि तुमने किया। और तभी जिया और रश्मि आके बोलती कायरा थैंक यू यार सही सजेशन देने के लिए एंड उदयपुर इज नाइस प्लेस, वहाँ वेडिंग का सोचते हैं नाइस और ऐसे बोलते हैं। रिद्धि बस कायरा की तरफ देख रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती है कि कायरा मुझे ना सच्ची में तुम बहुत चेंज हो, बहुत क्यूट लग रही हो। तो कहती थैंक यू। तभी वो कहती है कि आप मुझे पढ़ाओगे ना, अब तो मुझे अपने आप से अलग तो नहीं करोगे ना। तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी अलग नहीं करूँगी बाबा, तुम्हें मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कहती ठीक है। तो उदयपुर के लिए तैयारियों के लिए जो हमारी रश्मि और जिया रहते हैं वो कायरा को बोलते कि वो पापा का कौन सा रिसॉर्ट है उसके लिए। तो ये सब लोग ना दोनों चारों के चारों चले जाते हैं कायरा के घर पे। जैसे कायरा के घर पे गेट ओपन करते हैं तो अंजलि आंटी मिलती हैं, अंजना आंटी मिलती हैं। अंजना आंटी बोलते कि हाय कैसे हो बच्चे लोग, बहुत टाइम के बाद। बच्चे लोग सब एक साथ और आज तुम चारों को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंजना आंटी बोलती है। तभी चारों के चारों अंदर आते हैं और सोफे पे बैठते हैं। तभी वो कहते हैं कि आज चारों के चारों एक साथ आए हो, क्या राज है।
तभी वहाँ से जो कायरा रहती है वो कहती है, मम्मा आपको पता है रश्मि मैम और जिया मैम की शादी का टाइम है। तो कहती, अरे वाह क्या बात है, रिद्धि ने शादी करी तो अब जल्दी जल्दी उसकी बेस्ट फ्रेंड्स भी शादी कर रही हैं। तभी वहाँ से जिया कहती है, आंटी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, बट क्या करें, एक्चुअली हमारे घर वाले ना रिद्धि को देख के हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, अब रिद्धि ने कर ली ना, तो इसलिए हमारे घर वाले भी हमारे पीछे इतनी तेजी से पड़े हैं शादी कराने के लिए, जबकि इतनी जल्दी नहीं थी। वैसे आपको भी शादी में आना ही है। तो तभी वहाँ से अंजना आंटी कहती हैं, ये भी कोई बोलने वाली बात है, ऑफ कोर्स बेटा तुम्हें इतने सालों से जानते हैं तो ऑफ कोर्स आएंगे। तभी कायरा बोलती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? तो कहते, पापा तो स्टडी रूम पर है, क्यों कुछ काम था क्या? रुको मैं बुलवाती हूँ। तो वहाँ से जो मेड होती है वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि पापा को बुला लो। तो फिर थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद उसके पापा भी आ जाते हैं। तो फिर वो पापा बोलते हैं, अरे बच्चा पार्टी यहाँ कैसे? तो फिर वो सब पूछती हैं कि हाँ, तो तभी वो उनको भी बता देते कि शादी का टाइम है। तभी वहाँ से कायरा बोलती है, पापा वो जो उदयपुर में आपकी जो रिसॉर्ट है ना, आई मीन मतलब आपके दोस्त की जो रिसॉर्ट है। तो कहते हैं, हाँ, वो मेरे दोस्त की रिसॉर्ट है, क्यों क्या हो गया? तो कहते वहाँ पर शादी पॉसिबल है क्या? तो कहते हाँ, पक्का शादी होती है वहाँ पे, ग्रैंड वेडिंग्स होती है, क्यों क्या हो गया, किसकी करनी है, तुम्हारी और कायरा की? हाँ पूरा जल्दबाजी में हुई ना, तुम्हारी और रिद्धि की ना, हाँ करवाते करवाते, तुम्हें जैसा चाहिए हम वैसे करवाते। तभी वो कहती, नहीं नहीं पापा मेरी तो शादी हो गई है, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं करनी है एक्चुअली वो शादी, तो मैम को करनी है। तो कहती, किसको? तो कहते जिया और रश्मि को, उनको वहाँ उदयपुर में शादी करनी है। तो पापा वो पॉसिबल है क्या, हो जाएगा? तो पापा बोलते, अरे क्यों नहीं होगा, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ अपने दोस्त को, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, सारे अरेंजमेंट्स अभी करवा देते हैं। बेटा शादी कब की है? तो कहते नेक्स्ट वीक अंकल। तो कहते हाँ नेक्स्ट वीक में, डेट मुझे बता दो, मैं तुम्हारी अभी के अभी फटाफट करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट वीक में वो बोलते हैं जी 26 तारीख को है। तो कहते बस 26 तारीख को है, मैं अभी करवा देता हूँ, और मैं आपको कोटेशंस वगैरह, आप मेन्यू डिसाइड कर लो और डेकोरेशंस कैसा है वो सब के लिए आप उसको कांटेक्ट कर लेना, मैं अभी कराता हूँ। रुको ज़रा, अभी कराता क्या हूँ, अभी करता हूँ। फिर वो अपने पॉकेट से फ़ोन उठाते हैं और वहाँ पर उनको फ़ोन करते हैं। तभी वो बोलते हैं, हेलो। तो कहता है, अरे हेलो दीपेश। तो कहता है, हाँ बोल भाई, तू मुझे इतने दिनों के बाद कॉल कर रहा है। तो एक्चुअली वो भाई नहीं, वो मोटा भाई कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे सुन ना, मुझे ना मेरे बच्चों की ना शादी है। तो कहते हैं, अरे कायरा की शादी? तो कहते हैं, अरे कायरा की तो हो गई है। तो कहते हैं, तूने मुझे बुलाया तक नहीं। तो वहाँ से मतलब अंकल कहते हैं कि यार वो थोड़ा जल्दबाजी में हुई है, बट मेरी जो बेटी है उसके दोस्तों की शादी है, तो तेरे यहाँ 26 तारीख को मतलब रिसॉर्ट में शादी हो जाएगी ना? तो कहते हैं, हाँ यार हो जाएगी, तू टेंशन मत ले, मैं सब अरेंजमेंट्स कर दूंगा। तो कहते हैं, हाँ मैं तेरा नंबर दे देता हूँ बच्चों को, वो तेको डायरेक्ट कॉल करके अपने अरेंजमेंट्स वगैरह अपने हिसाब से करा लेंगे। तभी यहाँ से जो हमारी अंकल रहते हैं वो थोड़ी देर में जिया को नंबर दे देते हैं, और जिया और उसको क्या बोलते हैं रश्मि को, तो नंबर दे देते हैं। और वो नंबर देने के बाद वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी जो जिया रहती है वो कहती है, अंकल थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। तो रश्मि बोलती है, अंकल दिस इज़ ग्रेट हेल्प। तो कहते हैं, नथिंग इज़ हेल्प बेटा, तुम लोग जितने अच्छे से मेरे मेरी चुलबुली सी बेटी को संभालते हो, उसको इतनी सारी प्रॉब्लम से बचाते हो, उस चीज़ से तो बहुत है। और अगर तुम लोग नहीं होते तो रिद्धि की शादी कायरा से कभी नहीं हो पाती। यू आर वेरी वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स, मीन्स रिद्धि इज सो मच लकी कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। और रिद्धि के साथ साथ कायरा भी बहुत लकी है कि उन्हें इतने अच्छे मेंटोर्स मिले हैं जो उसे सही तरीके से गाइड करते हैं, ये बात नहीं है। तभी वहाँ से जो रश्मि होती है बोलती है, नहीं अंकल ये बात तो सही है कि हम लोग बहुत मतलब बड़े हैं कायरा से, इसलिए हम उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आज आपकी बेटी ने, मीन्स हमारी कायरा इतनी बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला, आज हमारी कायरा ने हमारी शादी के लिए हमारे घर वालों को मनाया। मतलब मैं शॉक थी कि कायरा ने कितने अच्छे से सजेशन दिया। और यूजुअली हम एक्सपेक्ट रिद्धि से करते हैं क्योंकि रिद्धि सारे चीज़ को लेती है, बट आज पूरे का पूरा टाइम लाइन्स ये बोलूँ
या पूरी हाइलाइट्स जो थी वो आपकी कायरा थी, और अंकल बहुत अच्छे से संभाला। तभी जिया खड़े होके बोलती है, अंकल जितना तो दिमाग हमारा नहीं दौड़ा उससे कई ज़्यादा दिमाग ऑलरेडी कायरा ने लगाया, और उसने बहुत अच्छे से घर वालों को समझाया। तो उसकी मम्मी और पापा बहुत शॉक हो जाते हैं। अंजना आंटी बोलती, सच्ची बेटा? वो रिद्धि की तरफ देख के बोलती। तो रिद्धि खड़े होके बोलती, हाँ आंटी। तो कहती, आंटी अभी भी आंटी बोलोगे? तो कहती है, हाँ मम्मी अभी बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो वो खुश होते हैं। तो कायरा तो मीन्स नॉर्मल रहती है ना, वो पहले जैसा जो उसका चुलबुलापना था कि वो एक्साइटेड होती थी, यू नो, चिल्लाती थी ये वो या आई एम द बेस्ट, बट अभी वो कुछ बहुत शांति से खड़ी रहती है। तो उसके मम्मी पापा थोड़ा सा उसकी तरफ देखते तो चेंजेस देखते। तभी वो रिद्धि को कहते हैं, रिद्धि बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो रिद्धि बोलती है कि हाँ आंटी। तो कहती है, थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं? तो वो कहती है, हाँ। तभी ये जो रश्मि और जिया ना, वो अंकल को कॉल करते हैं और उनसे कोटेशंस मंगाते हैं हर एक चीज़ का। तो तभी वो कायरा को बोलते, इधर आओ कायरा, ज़रा पता करो ये कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी, क्या लगेगी, जल्दी दे दो। तो कायरा, रश्मि, जिया, ये सब के सब तीनों एक साथ शादी की शॉपिंग्स के लिए या चीज़ों को अपने हिसाब से डिसाइड करने में लग जाती कि डेकोरेशंस किस तरीके से होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सब वो बहुत अच्छे से देख रहे थे। तभी जो अंजना आंटी और अंकल और रिद्धि एक दूसरे रूम में जाकर चले जाते हैं। तभी रिद्धि बोलते हैं कि कायरा आपके साथ अच्छे से तो रह रही है ना अंजनी आंटी। तो तभी वो उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, पहले तो मुझे सच्ची में ऐसा लगा था कि कायरा बहुत मतलब बहुत पचकानी हरकतें वो पहले से करती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन इन दिनों मैंने उसे बदलते हुए देखा है। वो बहुत गिल्टी है उसने जो किया, उसका गिल्ट शायद हम समझ नहीं सकते हैं पापा मम्मी। हमें लगता है कि उसने एक गलती करी है और उस गलती को हमने अपना बड़प्पन दिखा दिया और माफ़ कर दिया, बल्कि सच बात यह कि वो अपने आप को अंदर से माफ़ नहीं कर पा रही है, वो अंदर से टूट सी गई है। उसे शायद उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि हर एक ज़िंदगी में हर किसी का फेस होता है, वो बहक गई थी। पर ये बात सच है कि अब वो अपनी गलतियों को सही डायरेक्शंस में लेना चाहती है और बहुत एफर्ट्स कर रही है, और मैं उसकी इन सारी चीज़ों पे बहुत अप्रिशिएट करूँगी। और मम्मी वो बहुत गिल्टी है अंदर से। बेटा हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कायरा और तुम्हारा रिलेशन हमेशा से बना रहे, क्योंकि तुम दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जब कायरा ने ये सारी हरकत करी थी ना रिद्धि, तब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था, और आज जब कायरा सुधर रही है तो वो तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा प्यार उसे हर चीज़ को बदलने पे मजबूर कर रहा है। खोने का डर भी है आंटी उसे अब मुझसे। वो ज़्यादा गिल्टी है मॉम, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उसे MBA उसी कॉलेज से मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तभी वहाँ से उसके जो पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं उसे उस कॉलेज में नहीं भेजना चाहता हूँ, तुम्हें पता है ना, वहाँ वो जाएगी, फिर से वो मोहिनी के कॉन्टैक्ट में आएगी, फिर से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। बड़ी मुश्किल से वो सही तरीके से आई है। तभी वो कहती है, पापा किसी एक गलती की वजह से उसका करियर तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। वो खुद इतनी डरी हुई है कि वो मुझे कह रही है कि वो फोर्थ सेमेस्टर कंटिन्यू ही नहीं करना चाहती है, बट MBA का लास्ट ईयर है, उसका फोर्थ सेमेस्टर है, वो क्यों कंप्लीट नहीं करना चाहती है? हम वो सब चीज़ें तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। एक छोटी गलती उससे नहीं तो किसी और से भी हो सकती है, बट उसे इतनी बड़ी सजा देना तो बहुत गलत होगा। हाँ वो मुझसे बोली कि वो एग्ज़ाम देने भले चली जाएगी, पर उसे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो हाँ मैं उसे अब पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। जिया और रश्मि की शादी हो जाए उसके बाद मैं उसे ऑल थ्रो मैं ही पढ़ाऊँगी उसे, और पर उसे एग्ज़ाम देने के लिए जो आज से कुछ 2-3 महीने बाद उसे जाना है, वो एग्ज़ाम देने जाएगी। आपको क्या मेरे इस डिसीजन से एतराज़ है? तो उसके पापा कहते हैं, एतराज़ तो बेटा मुझे है, मैं चाह रहा था कि उसका अगर MBA भी अगर तुम चाहती हो कंटिन्यू कराना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम उसे यहाँ के कॉलेज में शिफ्ट कर सकते हैं, ये सब है। तो कहती, नहीं दिल्ली के जब वो इतने अच्छे
कॉल से कर रही है तो उसके डिग्री और उसकी सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सिर्फ एग्ज़ाम देने ही तो जाना है ना, वो मैं सारी बातें वहाँ पे करके आऊँगी। या फिर आप सर कुछ अरेंज कर सकते हो, वहाँ के लोगों से बोल सकते हो कि हमारी बेटी सिर्फ एग्ज़ाम देने आ जाएगी, या कुछ भी ऐसा हो कि ऐसा वो रेगुलर अटेंड ना करे कॉलेज। आप बात कर सकते हो तो बेटर है। तो वो कहती है कि हाँ मैं बात तो कर सकता हूँ और मेरी बात को कोई टालेगा भी नहीं। तो कहती बस इतना कर दीजिए, बट उस अच्छे कॉलेज से वो MBA करेगी, उसकी बहुत वैल्यू है। मैं नहीं चाहती कि उसका करियर दाव पे लगे, और हम उस टाइप के भी तो इंसान नहीं हैं। तभी अंजना एकदम से रिद्धि के सर पे हाथ फेंक के बोलती है, पार्टनर हो तो तुम्हारी तरह समझदार पार्टनर हो जो उसे हर तरीके की आज़ादी देने की लिए बैठी है। बस मुझे समझ में नहीं आया बेटा, मेरी कायला जब तुमसे इतना प्यार करती थी तो उसने ये हरकत क्यों करी? तभी वो हाथ पकड़ के बोलती है, आंटी जो हो गया उसको नहीं बदल सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, डजंट मैटर, मैटर इज ऑल अबाउट कि अब वो खुद को बदलना चाहती है। और जब इंसान खुद को बदलना चाहता है ना, हमें मौका देना चाहिए। और मैं कायरा को हर तरीके से मौका देना चाहती हूँ। कायरा को जो अपनी लाइफ में करना है वो करे, उसे जो करना है वो करे। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी हमने बर्बाद कर दी। हम उसके फैमिली हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ हैं, हमें वीकनेस नहीं बनना है। तो कहते हैं बेटा अभी तुम अच्छे से वो रह रही है ना तुम्हारे साथ? तो कहते हैं हाँ, अगर कुछ भी करे तो बताना ज़रूर, हम उसे समझाएंगे। तो कहते हैं कि कुछ नहीं पापा, मैं हैंडल कर दूँगी, आप टेंशन मत लो। और ऐसे बोल के यहाँ से कायरा निकल जाती, रीति निकल जाती है कायरा की तरफ। जब कायरा की तरफ जाती तो कायरा एक्साइटमेंट में बोलती है, मैम ये वाला लो, ये कलर बहुत ग्लो करेगा, और जब ये वाले कर्टन्स लगेंगे ना आपके वो मंडप के आसपास तो बहुत ब्यूटीफुल शो करेगा। वो ऐसे करके हर एक चीज़ बता रही रहती है। तो रश्मि के साथ कायरा भी अपने वो पल जी रही रहती जो एक्चुअल में जीना चाह रही थी, कि खुद की शादी के लिए वो सब डेकोरेशन, क्योंकि उसकी शादी तो एकदम रैंडमली हुई है जिसका उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ होती। तभी रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती है कि कायरा मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी शादी को तुम्हारी तरीके से ग्रैंड तरीके से करने का मौका ही नहीं दिया। तभी कायरा और रिद्धि की तरफ देख के बोलती है, जो भी है मेरी आपसे साथ शादी हो गई यही बहुत बड़ी बात है, उन दिनों तो मुझे इस तरीके से लगा था कि मैं आपको खो दूंगी हमेशा। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रैंड शादी हुई है नहीं हुई है, डजेंट मैटर, हो गई है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो कायरा एकदम से नर्वस होकर बोल रही रहती, रिद्धि उसे हक करते बोलती है, अरे बच्चा। तो कहती है कोई नहीं। तभी जिया बोलती है, अरे कायरा ये बताओ ये अच्छा लगेगा क्या? तो फिर वो कायरा से पूछने लगते हैं। तभी रिद्धि हक करी रहती है तो जिया बोलती है, अरे हक छोड़ना उसको, वो मेरी हमारी कितनी मदद कर रही है, तुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब चीज़ों का। तो कहती है यार मुझे नहीं पता कैसे होती है ये सारी चीज़ें। तो कहती हाँ तो तू छोड़ना उसे। कायरा का एक्चुअली जो ड्रेसिंग सेंस और वो सब अच्छा था, उसे डेकोरेशंस का शौक भी था, वो सारी चीज़ों में ज़्यादा अच्छी थी, तो सब उसके पीछे पड़ के करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहीं पर रहते, तभी आंटी आराम से उन लोगों के लिए जूस लेकर आती है, कुछ चिप्स लेकर आती है, वो लोग खा रहे थे। तो यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो शांति से बैठ के सिर्फ कायरा को नोटिस कर रही रहती है। कायरा की इस तरीके से समझदारी, जिस तरीके से वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बता रही रहती है कि नहीं ये चीज़ होगा, और वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताती है कि इसमें डिज़ाइनिंग तो है बट जब लाइटिंग आएगी और फोटोज़ आप लोगे तो अच्छी नहीं आएगी, हर एक एक चीज़ बता रही रहती है। और वो जो बोलते हैं ना कि जब आप दो लोग जब वेडिंग के रिसेप्शन के लिए बैठते हैं तो वो एक सीट की ज़रूरत होती है, तो वो एक अच्छा सा बोल रही थी कि काउच टाइप का आप ये रॉयल्स काउच की लीजिए, क्योंकि आप उदयपुर में शादी करा रहे हो तो उदयपुर की शादी की तो नायाब बातें हैं। तो इस तरीके से वो हर एक चीज़ बहुत प्यार से, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखा रही रहती है, और जिसे देखकर कायरा को भी अच्छा है। उसी देर में रिद्धि को कॉल आता है और रिद्धि थोड़ा सा बाहर चली जाती है बात करने के लिए। जब वो रिद्धि बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे कॉलेज की साइड से फ़ोन आया है, कुछ इमरजेंसी का काम था, कुछ प्रिंसिपल सर ने उसे कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया रहता है।
तभी वहाँ पर वो अंदर जाती है और कायरा की तरफ बोलती है कि तुम यहाँ पर इनके साथ करो, मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तभी रिद्धि और रश्मि कहते हैं तभी रश्मि और जिया कहते हैं कि क्या, कौन ने बुलाया तुझे? तो कहती है कि प्रिंसिपल ने बुलाया। तो तभी जिया बोलती है, यार वो टकले को ना चैन ही नहीं है, वो जब तक रिद्धि को देखेगा नहीं वो रह नहीं सकता। अभी क्यों बुलाया है, फालतू का बुलाता है, वो काम तेरे को थोप देगा, तू मत जा, तू बोलना तू वेकेशंस पर है, छुट्टी पर है। तो कहती कुछ अर्जेंट होगा यार इसलिए बुलाया। तो कहती कोई अर्जेंट नहीं रहता है। तो जिया बोलती मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ, मुझे पता है तुझे काम दे देगा। तभी कायरा बोलती हाँ हाँ मैम जाओ, आप जल्दी से जाओ वरना आपकी शादी पूरी अटक जाएगी। तो कहते हाँ नेक्स्ट वीक मेरी शादी है और ये हाँ हाँ चलो चलो। फिर ये दोनों कॉलेज की तरफ जाते हैं। जैसे कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो सर रहते हैं वो सर बुलाते हैं, तो वो रिद्धि के साथ जिया को भी देखते। तो वो बोलते हैं जिया मैंने तुम्हें बुलाया था क्या? तो कहते सर आपने ऐसे टाइम पे बुलाया था जब मैं रिद्धि के साथ ही थी और मैं ऐसी जगह बैठी थी, तो रिद्धि मुझे छोड़ के थोड़ी ना जा सकती है। और सर ये तो कॉलेज मेरा खुद का भी है, मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ, तो मैं आ गई तो कुछ प्रॉब्लम है क्या सर आपको? तो कहते नहीं नहीं बेटा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रिद्धि बेटा वो एक्चुअल में काम ये था कि वो जो पेपर वर्क कराने थे। तभी बोलती अरे सर आप कहाँ लगे हुए हो, रिद्धि तो बिजी है और मैं और रश्मि भी छुट्टी पे जा रहे हैं। तभी वो बोलते क्यों तुम लोग छुट्टी पे क्यों जा रहे हो, सब लोग छुट्टी पे चले जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो कहते कि अरे सर अपनी शादी में मैं खुद ही नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा, मेरी शादी है। तो कहते किसके साथ? तो कहते रश्मि के साथ। कहते क्या रश्मि और तुम्हारी शादी है, तुम दोनों शादी कर रहे हो? तभी सर का ये बेतुका सा रिएक्शन देखकर जिया को गुस्सा आने लगता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि जिया किस तरीके से अपने प्रिंसिपल को हैंडल करती है, और ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।